साथियों, आपको डॉक्टर एकांत का नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी सोच का संबंध हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन से, हमारे मन से कितना है, हमारे संबंधों से कितना है। मित्रों, ये सोच ही है, ये विचार ही हैं जो हमें गिरा भी देते हैं, जो हमें उठा भी देते हैं। मनस्थिति यदि हमारी बढ़िया होती है, सही होती है, तो परिस्थिति अपने आप सही होने लगती है। होता क्या है कि यदि हमारी सोच सही है, यदि हमारी सोच बदल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, यदि हमारी सोच बदल जाए तो हमारे संबंध सुधर जाए, यदि हमारी सोच बदल जाए तो हम कम परिश्रम में भी अधिक सफलता पा सकते हैं, यदि हमारी सोच बदल जाए तो हम बिना औषधियों, बिना डॉक्टर्स के भी स्वस्थ जीवन पा सकते हैं, यदि हमारी सोच बदल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सोच है क्या वास्तव में? असल में क्या है कि हमारा जो मन है, मन में जो विचार उठते हैं, वो विचार जिस बिंदु के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उस एकाग्र बिंदु का नाम सोच है। यानी सोच तो एक पॉइंट है जिसके आसपास विचार घूमते हैं। तो विचार क्या है? मन से, मस्तिष्क से उठने वाले जो एक तरह की ऊर्जा है। तो है वो संबंधित कहाँ से? सोच से है। असल में सोच एक केंद्र की तरह है, सोच विचारों का एक केंद्र है, जिसके आसपास विचार घूमते हैं उसको सोच बोलते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि यदि हमारी सोच बदल जाए तो हम कितना बदल सकते हैं, हम कितना कहां से कहां पहुंच सकते हैं। यदि सोच हमारी नकारात्मक हो जाए तो हम पतन की ओर, नीचे की ओर भी गिर सकते हैं। तो इस सोच का संबंध मन से है क्या? सोच क्या हुई? सोच हुई कि विचार जिस बिंदु के चारों तरफ घूमते हैं उसको सोच बोलते हैं। और सोच कहाँ उठती है? सोच कहाँ होती है? मन में होती है, मन। और मन क्या है? मन है, मन के दो भाग यदि हम मान के चले, चेतन मन और अवचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन, चेतन कॉन्शियस माइंड और अर्धचेतन जो है सब कॉन्शियस माइंड। चेतन जो माइंड है हमारा लॉजिकल है, ये तर्क पकड़ता है, ये अच्छा बुरा देखता है, ये देखता है कि किस में लाभ है, किस में हानि है, कौन है अपना, कौन है अपना, कौन है पराया। चेतन मन जो है वो हमारा बहुत कम है जीवन का जो पार्ट, हमारे जो पूरे मन का जो मुश्किल से 5% है, जिससे हम व्यवहार, अपना संबंध, हमारी उन्नति, तरक्की सब हम करते हैं। लेकिन मन का ये एक भाग और है जिसको बोलते हैं अर्धचेतन या सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है हमारा? ये लॉजिकल नहीं है, इसके अंदर जो भी विचार, इसके अंदर सोच, जो भी सोच इसके अंदर जाके बैठ जाती है, बस वो बैठ जाती है। अच्छी हो बुरी, उससे कोई उससे मतलब नहीं, उससे लेना देना नहीं है। तो अर्ध चेतन जो मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये इलॉजिकल है, इसका लॉजिक से कोई संबंध नहीं है, नॉन लॉजिकल है, भोला है, इसको अच्छे बुरे का पता नहीं है। और ये बनता कैसे? ये निर्मित होता है, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, हमारा जो चेतन मन है, उसी के अंदर जो धारणाएं होती हैं, जो विश्वास होते हैं, वो अर्ध चेतन मन पे जाके बैठते हैं। तो होता क्या है कि सपोज कोई व्यक्ति किसी धर्म का मानने वाला है, तो उस धर्म से संबंधित सोच, विचार, धारणा उसके सबकॉन्शियस माइंड पे बैठी होती है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से उसका पूरा जीवन चलता है। तो सबकॉन्शियस माइंड पे जो चीज़ बैठ जाती है, जो विचार बैठ जाता है, उसके हिसाब से हमारा कॉन्शियस जो चेतन मन है वो काम करता है। तो करना क्या है? सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को हम टच भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते हैं। सिर्फ कॉन्शियस माइंड जो है, जो हमारी चेतन जो मन है, जो हमारी सोच है, जिस जगह हम टिका देंगे, जिस बिंदु पर टिका देंगे, जिस विचार बिंदु पर टिका देंगे, उसी विचार बिंदु का जो कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होने लगेगा। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ बैठा हुआ है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, बायोलॉजिस्ट हुए हैं, ब्रूस लिप्टन, उन्होंने तो बहुत बढ़िया एक रिसर्च की। जो रिसर्च है वो क्या, उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने दिया कि आवर लाइफ इज प्रिंट आउट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस बिहेवियर। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रिंट आउट है हमारा जीवन। तो सबकॉन्शियस माइंड यदि हमारा ठीक हो जाए तो डीएनए भी ठीक हो जाता है, ये उसी वैज्ञानिक ने खोज की है।
इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे ठीक करें और सबकॉन्शियस माइंड से हम चेतन मन को कैसे विकास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।